हाय गाइस, मैं इस वक्त में योगी की नगरी में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आज अभी मुझे खबर मिली है, क्योंकि मैं दिल्ली से इस वक्त दूर हूँ और मुझे खबर इस बात की मिली कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। वहाँ अचानक मौसम बदल गया, 42-43 डिग्री का वहाँ पर तापमान था और अब बिल्कुल चेंज हो गया, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। अभी अभी मुझे जब मालूम हुआ, तकरीबन 10 या 15 मिनट पहले, जिस जगह मैं मौजूद हूँ योगी की नगरी में उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अचानक यहाँ भी तापमान में गिरावट आई, बादल इतने ज़्यादा गहराने लगे। और फिर देखते ही मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि पूरे में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधी चलने लगी। जो लोग मतलब इस गर्मी को बीट करने के लिए स्विमिंग पूल में यहाँ तैर रहे थे, खेतों के बीच में स्विमिंग पूल बना हुआ है, यहाँ पर स्विमिंग पूल में कुछ लोग गर्मी की वजह से, क्योंकि तापमान यहाँ तकरीबन 42.5 डिग्री बताया जा रहा था, तो वो इतना टेम्परेचर था, उसकी वजह से ये लोग शाम से ही बता रहे हैं कि स्विमिंग पूल में थे, ताकि इनको किसी तरीके की मतलब गर्मी का जो है उसको मुकाबला कर सके अभी। लेकिन अचानक मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि जो पूरा खेतों का नज़ारा है, हर तरफ धूल भरी आंधी इतनी ज़बरदस्त चली है कि तमाम तरफ धूल ही धूल, और ये खेत लहरा रहे हैं जितना आप लोग देख पा रहे हैं। ये तमाम अभी दिल्ली से ही थोड़ी देर पहले ही मेरे को मालूम हुआ कि वहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई, और उसके बाद फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये हापुड़ से थोड़ा ही नज़दीक इलाका है, वहाँ पर अचानक बादलों ने करवट ली, मौसम बदल गया और फिर उसके बाद में धूल भरी आंधी चल गई। मुझे लगता है कि शायद दिल्ली से यहाँ यूपी तक आने में बादलों को थोड़ी सी देर तो हो रही है, लेकिन मौसम ज़रूर बदल गया। जो 42.5 डिग्री का तापमान था, उसके अंदर इतना तेज़ी से गिरावट आई है कि जो लोग दोपहर से स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, अभी फ़िलहाल वो लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऊपर से इतनी तेज़ हवा चल रही है। सुनो, इधर डुबकी लगा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? अमन माथुर। अमन, क्या हुआ, अचानक मौसम भी बदल गया और आप स्विमिंग पूल में हो, कब से हो? वैसे तो बहुत गर्मी थी। अच्छा, तो अब क्या नाम है, हुआ है मौसम चेंज दिल्ली में? मुझे अभी अभी बताया गया कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी बारिश है। हालांकि अभी यहाँ यूपी में बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन धूल भरी आंधी ज़रूर चल पड़ी है। आप लोग स्विमिंग पूल में कब से थे, गर्मी कितनी थी? अच्छा, धूप निकल रही थी बहुत तेज, धूप बहुत ज्यादा थी। अच्छा, लेकिन अब टेम्परेचर कम हो रहा है, पानी चल रही है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और हम यहाँ मजे ले रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से यहाँ पे नहाने आए थे और जी तेज गर्मी की वजह से यहाँ पे नहाने आए थे और अब हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर आराम मिल रहा है। अमन, आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दोपहर को 3 बजे जब आप यहाँ पहुँचे थे, तो उस टाइम में बहुत बिल्कुल झुलसा देने वाली गर्मी थी। बिल्कुल बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, उमस थी उस टाइम। लेकिन अब ऐसा मौसम हो गया है कि अब सुकून है। तो देखिए, मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये लोग इस स्विमिंग पूल में मज़े ले रहे हैं, इस वक्त मौसम की बाहर जैसे दिल्ली में लोग बारिश में मज़े ले रहे हैं, और ये लोग यहाँ पर जहाँ मैं पहुँचा हुआ हूँ, यहाँ ये लोग इस स्विमिंग पूल में मज़े ले रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मुझे मतलब दिलकश नज़ारा लग रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा, जैसे मुझे आंधी का जैसे अलबा सा नज़र आ रहा है कि जैसे मान लीजिए ऐसे कि जैसे कोई तूफान सा चला आ रहा है वहाँ से। ये देखिए, ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये खुले खेत हैं, खुली जगहें हैं और अचानक से हवाओं ने बदला और जितना इतना रहा था अपने सूरज ने बरसा रखी थी लोगों के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त झुलसा देने वाली गर्मी थी, आज वो गर्मी से अचानक राहत मिली है यहाँ योगी के उत्तर प्रदेश में। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली से अब तक यहाँ बारिश तो नहीं पहुँची है, लेकिन इतनी तेज़ हवाएं, ये आंधी के मुझे इस वक्त लाइव करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है, बहुत तेज़ हवा है। अभी मैंने बात की थी, ये बताएं कि अभी जिस तरीके से ये आंधी का एकदम से मामला हुआ, आप लोग बाहर निकल रहे हैं अब यहाँ से क्या? नहीं, अभी नहीं निकल रहे, बाहर निकलने में तो और ठंड लग गई है। अच्छा, ये है किसका स्विमिंग पूल, ये किस तरीके से यहाँ पे आप लोग इसको चलाते हैं? दोपहर की जो उमस भरी गर्मी थी उसके बारे में बताइए। दोपहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और
कि हापुड़ से चंद किलोमीटर आगे की ये जगह है जहाँ मैं हूँ। मुझे बाबा फरीद भी अभी लिख के भेज रहे हैं कि लाजवाब है मस्त मौसम, और अहमद इश्तियाक भी लिख रहे हैं कि बहुत तेज तूफान के साथ ओले गिरे हैं। यानी ये लोग मुझे दिल्ली के बारे में शायद बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, हालांकि मैं नहीं देख सका अभी फिलहाल वहाँ पर। मोहम्मद आरिफ खान ने कहा है कि नाइस भाई और मैं आपको देख रहा हूँ। उसके अलावा मुझे ये लग रहा था कि शायद मौसम में तब्दीली नहीं आएगी जिस वक्त में मैं यहाँ पहुँचा था, कुछ उस वक्त में ऐसी प्रेडिक्शन भी नहीं थी कि मौसम बिल्कुल एकदम ऐसे करवट ले लेगा अचानक। इश्तियाक अहमद मुझे दिख रहे हैं लाल कुआं से, अकरम कुरैशी, ओह माय गॉड, जुनेद हसन, मज़ा आ गया बारिश में। उसके अलावा अहमद इश्तियाक ही दिख रहे हैं, ये मज़ा आ गया। यहाँ भी ओले गिरे हैं ये कह रहे हैं जुनेद हसन, हमारे यहाँ भी ओले गिरे हैं। लेकिन मैं बता दूँ मैं जहाँ मौजूद हूँ अहमद इश्तियाक वहाँ पर अभी फिलहाल ओले नहीं गिरे हैं। हाँ, बारिश की ज़रूर बौछारें शुरू हो गई हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है। शुक्रिया सैयद काशिफ, तस्लीम मिर्ज़ा, सैयद सलमान अली, आप सभी का इस वक्त कितना प्रदूषण और किस तरीके का मौका मामला बना हुआ है आप सभी जानते हो। लेकिन यहाँ देख करके मुझे इतना अच्छा एहसास हो रहा है कि चारों तरफ ग्रीनरी है, ये खेत हैं और इन खेतों के बीच में ये स्विमिंग पूल है जहाँ पर लोग बीट द हीट, मैं कह सकता हूँ कि गर्मी को मात देने के लिए आज दोपहर से थे, लेकिन अचानक जिस तरीके से मौसम ने करवट ली और ये मौसम बदला, तकरीबन 6 बजे के आसपास ये मौसम बदला और वसीम भी मुझे देख रहे हैं। वसीम, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि तुम बारिश में इस वक्त कहीं मज़े ले रहे होगे। ये एक लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? अदनान। अदनान, बारिश तो अब यहाँ पर भी शुरू होगा यूपी में, दिल्ली से आए हुए हो, अभी बता रहे थे दिल्ली से आए थे, तो वहाँ तो बहुत तेज़ इस वक्त बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं, तो वहाँ होते तो नहा रहे होते इस टाइम बारिश में? नहीं। क्यों, यहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहे हो यूपी में? यहाँ मजा आ रहा है। तो अब आप स्विमिंग पूल से बाहर निकल करके आ रहे हैं बारिश में नहाने के लिए? बारिश यहाँ भी तेज शुरू हो गई है अब यूपी में, दिल्ली में बारिश हो रही है तकरीबन आधे 3 घंटे पहले से। खैर बहरहाल, मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को यही सब दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली पहुँचूंगा तो देखूंगा वहाँ का फिलहाल का तापमान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।